नमस्कार। तो आपकी और मेरी घड़ी में बज गए हैं 2 और वक्त हो चुका है मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन का, जिसमें हम बात कर रहे हैं 403 विधानसभाओं की, एक एक करके एपिसोड्स में हम हर विधानसभा को खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस विधानसभा में, इस पर्टिकुलर विधानसभा में कितना काम हुआ है। क्या 2017 में जो वादे जो दावे किए गए थे क्या वो पूरे हुए हैं, या फिर हर बार की तरह जनता इस बार फिर ठगा महसूस कर रही है। इसको जानने समझने के लिए लगातार हर विधानसभा को कवर कर रहे हैं, लखनऊ तक की विधानसभाओं को कवर किया है, एटा मैनपुरी हर विधानसभा तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल होते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए, अब अवध रीजन की जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फरुखाबाद की। आज फरुखाबाद एक वो जिला है, अगर आप चिप्स भी खा रहे हैं तो कहा जाता है कि शायद वो चिप्स जो है उस आलू से बना हो जो आलू फरुखाबाद में उगता है। आप लहंगा पहन रहे हैं, शायद हो सकता है कि इस लहंगे की अगर कारीगरी बेहतरीन है, कारीगरी शानदार है, तो मुमकिन है कि यह लहंगा भी फरुखाबाद में डिजाइन किया गया हो। फरुखाबाद ऐतिहासिक धरोहरों से एक सिमटा हुआ शहर, फरुखाबाद जहां पर आज भी इतिहास जीवित है, पुनर्जीवित है, धरोहरें बहुत है फरुखाबाद के पास। लेकिन फरुखाबाद क्या उन सबको बचाने में सफल रहा, क्या फरुखाबाद उनका नवनिर्माण करने में सफल रहा, यह जानेंगे समझेंगे। क्या फरुखाबाद की जनता जो वोट करती है उसके साथ न्याय हुआ है, क्या फरुखाबाद सदर सीट की जो हम बात कर रहे हैं वहां से विधायक है मेजर सुनील दत्त द्विवेदी साहब, इनके पिताजी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे थे ब्रह्म दत्त द्विवेदी साहब, तो ब्रह्म दत्त द्विवेदी साहब ने जो सपना देखा था संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए, क्या उनके बेटे जो कि पहले सेना में थे और अब राजनीति में हैं, तो अब क्या उन्होंने जो वादे और दावे किए थे क्या उनको पूरा करके दिखाया, क्योंकि उनके साथ सेना का भी एक जुड़ाव है। ऐसे में ये सीट इसलिए भी अहम है कि यहां पर राष्ट्रवाद की भी बात हो सकती है, की जा सकती है। ऐसे में आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, दर्शक जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले फरुखाबाद की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं ताकि माहौल बने फरुखाबादी। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, यह फरुखाबाद है और देखते ही पहचान लीजिएगा कि फरुखाबाद में जाम की समस्या सबसे अहम है, फरुखाबाद में सड़क की समस्या सबसे अहम है, फरुखाबाद में क्या आज भी विकास की जो गाड़ी दौड़ रही थी मैनपुरी तक पहुंची लेकिन फरुखाबाद नहीं पहुंच सकी, ये भी अहम है। तो फरुखाबाद के बारे में जानेंगे समझेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और फोन लाइन्स भी खुली रहेंगी जिसके जरिए मेहमान हमारे साथ जुड़ सकेंगे, दर्शक हमारे साथ जुड़ सकेंगे। तो फरुखाबाद शहर सीट की हम बात कर रहे हैं और फरुखाबाद शहर सीट का क्या हाल है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में कम वक्त बचा है, तो चुनाव में जो कम वक्त है उस कम वक्त का भरपूर प्रयोग कैसे करें, तो घर बैठिए हमारी ये सीरीज देखिए, लगातार देखिए, जिसमें रोज एक नई विधानसभा के साथ हम आपके सामने प्रकट होते हैं, उस विधानसभा के बारे में आपको बताते हैं। और ये सीरीज हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक हम उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर बात ना कर ले। तो 403 सीटों की जो परीक्षा से पहले परीक्षा है, ये उसका सेमीफाइनल राउंड है जो कि मीडिया के जरिए आपके सामने रखा जा रहा है। इसमें हमारे साथ सबसे पहले 2 नेता जुड़ेंगे, एक नेता उस पार्टी से होंगे जो सिटिंग एमएलए की पार्टी है, मतलब जो सत्ता में जो पार्टी है उनका एक नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ेगा। इसके बाद हमारे साथ विपक्षी पार्टी जो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है उनका भी नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ेगा। ऐसे में अब शुरू करते हैं, हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, दोनों नेताओं का बहुत बहुत स्वागत है। शिवांग रस्तोगी साहब हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और दूसरी तरफ है राजन यादव साहब, आप जिला सचिव हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शिवांग जी अभी हमारे साथ हैं, सामने नजर आ रहे हैं। शिवांग जी, आपकी पार्टी तो सत्ता में है, फरुखाबाद में आप सत्ता का जो रथ है उस पर सवार हैं, जरा कम शब्दों में वो एक काम बताइए जो आपके द्वारा ही पूरा किया गया, आपके विधायक जी ने ही पूरा किया, जिसका फीता भी आपके विधायक जी काट रहे हैं और उसका शिलान्यास भी आपके विधायक जी ने किया, एक काम बताइएगा फरुखाबाद विधानसभा का। सरकार और मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के द्वारा किया गया है और निश्चित तौर पर हमने फीता भी काटा है और शिलान्यास भी किया है।
दूसरी बात यह है कि फरुखाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक तो जो है पिछली सरकार के अंदर थोड़ा सा जाम लगता था पिछली सरकार, लेकिन इस बार जाम की समस्या बहुत कम हो रही है, किसी गरीब को सताया नहीं जा रहा है लेकिन जाम की समस्या को कम किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा जो है अपराध का लेबल फरुखाबाद के ऊपर व्याप्त था, लेकिन आज अपराध का लेबल बहुत कम हुआ है, आम जनमानस अपने आप को सुकून महसूस कर रहा है, आम जनमानस अपने आप को बहुत जो है सुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाएं रात बिरात कहीं निकलती हैं तो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये फरुखाबाद को सबसे बड़ी। लेकिन शिवांग जी, क्योंकि पड़ोसी जिला हम फरुखाबाद के जब स्थानीय अखबारों को टटोलते हैं, देखते हैं, स्थानीय जो वहां का मीडिया है उनसे बातचीत करते हैं, तो पता लगता है कि आए दिन क्राइम रेट पर कहां काबू है, उसी तरह से यथावत जारी नहीं, नहीं, चीजें हत्या क्राइम रेट कहीं नहीं है, वारदातें अभी भी हो रही हैं। और जो है विपक्षी दल इस प्रकार की भ्रम फैला रहा है, लेकिन बिल्कुल क्राइम के नाम पर फरुखाबाद जीरो है। नहीं, जीरो कैसे हो सकता है, क्राइम को आप जीरो थोड़ी ना कर सकते हैं, जीरो कैसे कर सकते हैं क्राइम को, मतलब जीरो कहने का मतलब यह है कि अगर पिछली सरकार में चरम सीमा पर था तो आज बिल्कुल लेवल पे है। ठीक है, तो इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे, क्योंकि आप उन पर भी आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपने शिवांग जी जाम को लेकर बात की, जाम को लेकर थोड़ा क्लैरिटी दीजिएगा, जाम की समस्या का आपने निस्तारण कैसे किया, जाम की समस्या को आपने हल कैसे किया? धीरे धीरे जाम के रूट चेंज जो है ई रिक्शे वगैरह इनके रूट चेंज कर दिए गए हैं शासन प्रशासन द्वारा, वो तो उसी हिसाब से रहेगी ना। अब शहर सीट की बात कर रहे हैं, विधायक जी का जहां पर घर है वहां की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये तस्वीरें ताजा तस्वीरें हैं, इसी सड़क पर आगे बताया जा रहा है कि विधायक जी का घर भी है, तो ये जाम तो दिख रहा है। देखिए थोड़ी सी सकरी गलियां हैं, उनको धीरे धीरे जो है आगे आगे आने वाले टर्म में ठीक किया जाएगा, लेकिन जो है किसी को परेशान नहीं करने की कोई मंशा सरकार की नहीं है। पिछली सरकार परेशान करती थी, लेकिन इस बार किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बिजली की बहुत दिक्कत थी, लेकिन बिजली की समस्या को भी पहले सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें किस तरीके से परेशान किया जाता था और आपने ये कैसे खत्म की इस चीज को? ठीक है शिवांग जी, मैं ये पूछ रहा था, हेलो शिवांग जी, मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा कि 2017 से पहले लोगों को परेशान किया जाता था, तो कैसे परेशान किया जाता था? परेशान ऐसे किया जाता था जो है अगर किसी गरीब की ठिलिया लगी हो तो उसके ऊपर लाठियां चलाना है, किसी ई रिक्शे वाले को है उसको दौड़ा के मारना है, पुलिस प्रशासन का जो कार्य था कि वो किसी था, भी वो तरीके से निष्पक्ष प्रणाली के रूप में काम नहीं करता था। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, फरुखाबाद की तस्वीरें हैं, और साथ ही साथ अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता भी जुड़ेंगे, और साथ ही साथ फोन लाइन है, उसके जरिए दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शिवांग जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि सड़कों को लेकर बड़ी समस्या है फरुखाबाद की, सड़कों पर बताते हैं कि काफी गड्ढे वगैरह हैं, और ये आपके शहर के अंदर ही बताए जा रहे हैं कि आपकी शहर की जो सीट नहीं, अभी तो नजर मेरा देखना कि अभी आवास विकास में जो सड़कें वगैरह खराब थी उनको ठीक कर दिया गया है, चुनाव आ गया था इसकी पैचिंग कर दी गई है, जो यहाँ पे नई बननी है वहाँ नई बना दी गई। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी सवाल लोग करते हैं शिवांग जी की, फरुखाबाद सदर से आप बैठे हुए हैं, उनके विधायक जी के कामों पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बात बताइए कि लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में विधायक जी ज्यादा नजर नहीं आए। अरे कौन कह रहा है ऐसा, तो ये सब जो लोग कह रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं। हमको ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कोरोना के अंदर दिखाई दिया? तो विधायक जी ने कोरोना काल पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया? विधायक जी ने कोरोना काल पर फरुखाबाद सदर में काबू पाने के लिए क्या कुछ किया, थोड़ा समझाइए। देखिए घर घर जो है वैक्सीनेशन कार्यक्रम को चलाया गया, जो है भाजपा कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के बीच उतरे, लोगों को बताया कि जो है थोड़ी सी दूरी बनाइए, दो गज की दूरी बना के रखिए, और पूरे कोरोना काल के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों में विधायक जी ने पूरी तरीके तन्मयता के साथ काम किया है। एक भी समाजवादी पार्टी बसपा कांग्रेस का नेता सड़कों पर नहीं था, केवल ट्विटर खेलते थे, फेसबुक पर आते थे, बाकी जनता के बीच जाने का काम उन्होंने नहीं किया। ठीक है, फरुखाबाद में सुनने को मिलता है कि आलू की पैदावार बहुत है,
लेकिन वहां पर कोई ऐसी मशीनरी सिस्टम नहीं डेवलप किया गया है, मतलब कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाई गई है जिससे उसका आर्थिक लाभ लिया जा सके अधिक मात्रा में। आलू की विधायक जी बहुत प्रयास कर रहे हैं आलू के ऊपर एक अच्छा सा कोई एक फैक्ट्री वगैरह, मतलब 5 साल में नहीं कर पाए, मतलब प्रयास करा लेकिन 5 साल में हो नहीं पाया निश्चित तौर पर। लेकिन एक वन प्रोडक्ट वन जो चलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें आलू को बहुत महत्व दिया गया है। फरखाबाद में आलू का भी नाम, फरखाबाद आलू के लिए पहचाना जाता है, तो ऐसा फरखाबाद में क्या किया गया कि जिससे आलू की जो पैदावार होती है उसका आर्थिक लाभ वहां के लोग ले सके, ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया? थोड़ा सा जो है अगर कहीं कोई कमी रह भी गई है तो उसको जो है आगे टर्म पे पूरा किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि जनता अच्छा, जो कमी है उसको देखते हुए कहीं सपा के साथ ना चली जाए, क्योंकि सपा का भी मजबूत जनाधार दिखता है इधर? सपा का कोई जनाधार नहीं है जमीनी। समाजवादी पार्टी 2014 से लगातार हार रही है और इस बार भी उसको हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। ठीक है, जनता समाजवादी पार्टी के जो है अपराध से बिल्कुल साथ नहीं है, क्योंकि सपा जब जब आती है तब अपराध करती है। ठीक है, इस समय हमारे साथ राजन यादव भी जुड़े हुए हैं, जिला सचिव हैं फरखाबाद से। राजन यादव जी देर से आए लेकिन आपका स्वागत है। राजन जी, शिवांग जी बता रहे हैं कि फरखाबाद में हर तरह का विकास हुआ है, साथ ही साथ बता रहे हैं जब मैंने सपा के बारे में पूछा तो वो बता रहे हैं कि सपा बिल्कुल नहीं आ सकती क्योंकि सपा के काल में गुंडागर्दी चरम पर थी। गुंडागर्दी, और उन्होंने बताया है कि जमीनी स्तर पर नहीं। जमीनी स्तर के लिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले जिला पंचायती वाले चुनाव जो हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं जनता द्वारा ही वोटिंग होती है, जिला पंचायत सदस्य जो बनाए जाते हैं, और इनके जिला फरखाबाद में 3 सदस्य बने हैं और 20 और लगभग 27 सदस्य समाजवादी पार्टी बने हैं जो जनता द्वारा ही चुनाव होते हैं। और दूसरी बात विकास की बता रहे हैं, विकास में पूछता हूँ फरखाबाद जिले में कहाँ पे है? आप रोड की स्थिति देख सकते हैं फरखाबाद जिले में, इतनी दुर्दशा खराब है। आप मोहम्मदाबाद, यहाँ से फरखाबाद से मोहम्मदाबाद जो बेवर बॉर्डर तक है वो रोड आप देख सकते हैं, मोहम्मदाबाद से नवाबगंज वाली रोड देख सकते हैं, नवाबगंज से लेकर चरिया वाली रोड है। फरखाबाद एक ऐसा पिछड़ा हुआ जिला है अपने अपने प्रदेश में। आप फरखाबाद में देखे आसपास के जितने भी जिले हैं सब लगभग डेवलप हो रखे हैं, मतलब इतना नहीं डेवलप जितना पिछड़ा फरखाबाद जिला है। ठीक है राजन यादव जी, हम सदर सीट की बात कर रहे हैं तो सदर सीट पर सदर सीट पर सपा की तरफ से मेजर सुनील दत्त साहब को कौन टक्कर देगा? अब उसके लिए पार्टी का संगठन काम कर रहा है, पार्टी का कैंडिडेट जिसे बनाएगा उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग, दिन दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अभी तक आपके पास चेहरा नहीं है, चुनाव को कम समय बचा है। चुनाव बस अब जो भी है, अभी बीजेपी अभी प्रत्याशी नहीं दिए ना, किसी भी कैंडिडेट ने प्रत्याशी नहीं दिया, जो भी प्रत्याशी आएगा वो चेहरा वो भर के उसको पार्टी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आपने सड़कों को लेकर जिक्र किया लेकिन राजन जी, शिवांग जी का कहना है कि सड़कों पर काम चल तो रहा है, पैचिंग वगैरह का काम चल रहा है, मेंटेनेंस किया जा रहा है? कहीं मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, मैं तो कहीं नहीं देख पा रहा मेंटेनेंस। और दूसरी चीज ये गंगा एक्सप्रेस वे के लिए जैसे बता रहे हैं कि जो बड़ा है आज अपने एशिया का सबसे बड़ा आलू का जो पैदावार है अपने जिला फरखाबाद का है, अगर गंगा एक्सप्रेस वे अगर फरखाबाद से होते हुए जाता है इससे किसानों को फायदा होता है, इससे अपना उद्योग बढ़ता अपने जिला फरखाबाद। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे को शिवांग जी आप समझ रहे होंगे, गंगा एक्सप्रेस वे को मुद्दा बनाया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, तो मुद्दा गंगा एक्सप्रेस वे है फरखाबाद में कि गंगा एक्सप्रेस वे अगर आता फरखाबाद के पास से होकर गुजरता तो कहीं ना कहीं विकसित तो होता फरखाबाद। हेलो, नहीं शिवांग जी मैं ये कह रहा हूँ कि राजन यादव जी कह रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे जो छिटक गया उससे दरअसल विकसित होने की विकास होने की फरखाबाद का जो आखिरी एक मुमकिन दिख रहा था वो भी नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी के पास कोई फरुखाबाद के विकास का कोई खाका नहीं है आज भी, और पिछली उनकी सरकार थी तब भी उनके पास कोई फरुखाबाद के विकास का कोई खाका तैयार नहीं था। आज वो जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उनसे एक प्रश्न छोटा सा पूछना चाहता हूँ, जब लखनऊ से आगरा का वो एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा था तब वो फरुखाबाद से क्यों नहीं जोड़ा गया? तब तो समाजवादी पार्टी के चारों विधायक यहाँ से थे।
तब वो फर्रुखाबाद से जोड़ने का काम अखिलेश यादव ने क्यों नहीं किया? नहीं तो शिवांग जी, पलट के सवाल फिर आप ही पर लग जाएगा। अभी भी आपके चार विधायक हैं, सांसद भी हैं। वो फर्रुखाबाद वाला जो बता रहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, और हमारा प्रयास पूरा चल रहा है। ठीक है राजन जी, ठीक है आपने सवाल लिया, राजन जी से जवाब ले लीजिए। जी राजन जी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जो बता रहे हैं उसको जोड़ने की कोशिश की नहीं, सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे आप तालीग्राम वाला शॉर्टकट मिलेगा, अपने फर्रुखाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पे आप कट उसको पकड़ सकते हैं। जो समय लखनऊ जाने के लिए किसी समय 7 से 8 घंटे लगते हैं, वो आप सिर्फ 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस फर्रुखाबाद की ही बात कर रहा हूँ, 2 से 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। चलिए तो शिवांग जी, वो तो कह रहे हैं कि जिसमें लखनऊ पहुंचने में पहले जहां 6 से 7 घंटे का समय लगता था, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार की बदौलत आज फर्रुखाबाद से लखनऊ पहुंच सकते हैं आप 2 से 2.5 घंटे में। देखिए जो एक्सप्रेस वे गंगा बन रहा है, वो गंगा एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद से लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा। और अभी चुनाव का समय है, चूंकि 10-5 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। चलिए ठीक है, कॉलर जी, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, क्या नाम बताइएगा अपना? गोपाल त्रिवेदी। ये थोड़ा सा आवाज की समस्या हो रही है शायद। जी नाम बताइएगा। गोपाल। चलिए ठीक है, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज में कुछ समस्या है। तो राजन जी, आप गंगा एक्सप्रेस वे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवांग जी सीधे कह रहे हैं कि लिंक किया जाएगा। आपने भी लिंक किया था, ये कह रहे हैं कि हम भी लिंक कर देंगे। लिंक किया जाएगा? हाँ, तो वही शिवांग जी कह रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे निकल जरूर बाहर से रहा है, लेकिन हम उसको लिंक करेंगे फर्रुखाबाद से, एक लिंक रोड बना देंगे। जैसे कायमगंज की बता दूं, जो सूत की मिल थी, जो भाजपा सरकार की स्वेच्छा का शिकार हुई है, आज सबको मिल नहीं, मशीनें तक नहीं, उसमें मशीनें तक भेज गई। जब से ये कायमगंज में जो जहाँ पे सूत का काम होता था, जिसे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, आप समझ रहे हैं? हाँ, नहीं समझ रहे। एम्ब्रॉयडरी जिसे बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी जिसे सूत का कारखाना होता है, जब से ये सरकार, भाजपा सरकार आने के बाद, वो मिल बंद पड़ी है वहाँ कायमगंज में। जिला फर्रुखाबाद की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा ऑडियो की कुछ समस्या हो रही है, राजन जी से दोबारा ऑडियो को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो शिवांग जी, मील बंद पड़ी है, आलू का जो किसान है वो परेशान है, ये सब बातें हैं। ये सब बातें केवल समाजवादी पार्टी के लोग जनता में भ्रमित कर रहे हैं। मतलब फर्रुखाबाद में आप पूरा, फर्रुखाबाद में सदर शहर सीट पर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आपको कोई हिलाने वाला नहीं है? संतुष्ट है। आप जिन मुद्दों के साथ आए थे, उन मुद्दों पर काम किया गया, उन मुद्दों को पूरा किया गया, आप संतुष्ट हैं? पूरा हमारा जो अंतर पिछली बार था, वही अंतर इस बार रहेगा समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। 50,000 से ऊपर का अंतर था, इस बार भी 50,000 से ऊपर ही जीत होने वाली है। और हमारा एक समाजवादी पार्टी से एक प्रश्न है, पड़ोसी जनपद कन्नौज था, उसको 24 घंटे बिजली मिलती समाजवादी पार्टी की सरकार में, फर्रुखाबाद में केवल 10 घंटे बिजली क्यों मिलती? बताइए राजन जी। और राजन जी, इसके साथ ही सवाल को थोड़ा और मैं विस्तार दे देता हूँ। विकास की जो बयार बही, विकास की जो गंगा बही, वो मैनपुरी तक ही सीमित क्यों रही? जैसे ही फर्रुखाबाद जिले की सीमा आई, ये विकास अवरुद्ध क्यों हुआ? क्या सपा के काल में सिर्फ सपा के गढ़ में काम कराया गया? नहीं, सपा का गढ़ क्या फर्रुखाबाद में तो सपा के लोग थे, जहाँ के जो नेता जहाँ तक वहां पहुंचा पाए अपनी बात तक का काम हुआ। ठीक है, पिछली बार हारने का कारण क्या था? 45,000 से ज्यादा वोटों से आप हार गए थे, मोहम्मद उमर खान बसपा आपके साथ ही थे। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, कॉलर जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। ठीक है, नाम बताइएगा, क्या कह रहे हैं आप? गोपाल जी। गोपाल त्रिवेदी। गोपाल त्रिवेदी नाम है आपका। ठीक है गोपाल जी, क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जिले को सपा के जो यहाँ से विधायक, सपा की सरकार भी थी, यहाँ से सब कुछ हुआ, मतलब स्टैंड तो नहीं, वो सभी ने क्या किया है यहाँ पर?
ठीक है, चलिए ऑडियो को समस्या आया आपकी। ना सड़कें बनी है, ना कोई गंगा एक्सप्रेस वे था, गंगा एक्सप्रेस वे को भी यहाँ से फरुखाबाद को, पहले फरुखाबाद वासियों को सपना दिखाएगा, उसके बाद फरुखाबाद भी ले लिया गया। अच्छा, आपका सवाल किससे, आपका सवाल बीजेपी के जो पक्ष रखने के लिए बैठे हुए हैं नेताजी उनसे है या फिर? मैं बीजेपी का जो पक्ष रख रहा हूँ मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो सपा वाले सपा रखिए। अच्छा, दोनों को लपेटे में ले रहे हैं, ठीक है, चलिए कहिए अपनी बात रखिए। अगर गंगा एक्सप्रेस वे था पहले सपना दिखाएंगे, फरुखाबाद से जोड़ा जाएगा, फिर उसको भी पड़ोसी जनपद हरदोई से कर दिया गया, जबकि हरदोई में गंगा जी है ही नहीं, फरुखाबाद से ले लिया गया। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी आलू की मंडी फरुखाबाद में है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी आलू की फरुखाबाद में है। या जब से लोकसभा चुनाव हुआ तब भी ये वादा रहा कि यहाँ आलू का कारखाना लगवाएंगे, जिससे लोगों को 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद बीजेपी ने भी यहाँ कुछ नहीं किया कि यहाँ कोई कारखाना नहीं, कहीं कुछ नहीं, जबकि फरुखाबाद की छोड़िए एशिया की सबसे बड़ी मंडी होने के बावजूद यहाँ पर चीनी मिल अधिकतर बंद रहती है, सब कुछ होती है। पड़ोसी गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा फरुखाबाद में होता है, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा फरुखाबाद में होता है, गेहूं के उत्पादन में भी बहुत अव्वल है, मगर यहाँ पर कोई रोजगार के नाम की एक भी कोई नहीं है जहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल एक साथ दाग दिए गए शिवांग जी आप पर, आप जो बातें कर रहे हैं उनको हवा हवाई बातें बता दिया है। मतलब कह रहे हैं कि आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे उसको और आगे बढ़ाने के लिए, गन्ने का उत्पादन भी होता है, आपकी तरफ से कोई साथ नहीं है, कोई समर्थन नहीं है आपकी तरफ से। गंगा एक्सप्रेसवे का सपना दिखाया आपने, लगातार दिखाते रहे आप, और आज लिंक करने की बात कर रहे हैं, तो ये दर्शक आपसे पूछ रहा है। निश्चित तौर पर हम बहुत जल्द गंगा का लिंक एक्सप्रेसवे देंगे। पहले तो पूरा गंगा एक्सप्रेसवे ही देने की बात कर रहे थे आप। देखिए, कोई ना कोई कमी ऐसी आ गई होगी जिसके मारे ये जो लिंक एक्सप्रेसवे नहीं मिल पाया। समझाइए, चार विधायक होते हुए आपके, चार ही विधायक हैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूं तो, चार विधायक जो हैं, चार विधानसभा सीटों पर, वो सब आपके ही हैं, बीजेपी के हैं, सांसद जी जो हैं वो भी बीजेपी से हैं, मतलब पूरा पावर सेंटर फरुखाबाद अगर मैं बात करूं तो सब बीजेपी का ही है, और जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूं तो वो भी बीजेपी समर्थित ही है। जब सब कुछ बीजेपी है, जब फरुखाबाद में चप्पा चप्पा भाजपा है, तब ऐसी कौन सी परेशानी आ गई कि आप गंगा एक्सप्रेसवे को अपने पास नहीं ला पाए और एक मंत्री जी गंगा एक्सप्रेसवे को खींच के वहां ले गए सहजापुर? सारे माननीय सारे जनप्रतिनिधियों ने पूरे प्रयास किए, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी आ गई। लेकिन खन्ना साहब भारी पड़ गए, खन्ना साहब भारी पड़ गए ना। हेलो, चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं आप। राजन जी, इनका कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे दरअसल इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कुछ, मान लीजिए आप। हां, टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं। जनता बताएगी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम, जनता वोट नहीं करेगी और फिर कहेगी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वोट नहीं किया, बड़ा घुमा के जवाब दे दिया है। जनता जिसको बताना चाहती है उसको बहुत जल्द बता देगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जो है होशियार है और ये समाजवादी पार्टी के ढकोसले में आने वाली नहीं है। ये ठीक है, चलिए लास्ट दोनों लोग क्या कहना चाहेंगे फरुखाबाद के लिए? अगर राजन जी आपकी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी का अगर विधायक बनता है फरुखाबाद सदर से, तो क्या वो चीज है जो आप देना चाहेंगे फरुखाबाद को? फरुखाबाद जिला में अगर हमारी समाजवादी पार्टी बनती है तो सबसे पहले रोडों का निर्माण कराया जाएगा। जो भी रोड अपने क्षेत्र में जितनी भी रोड है, आपने देखी, शायद आपने ऐसा चक्कर भी लगाया होगा, आपने अगर आपको जानकारी होगी आप न्यूज चैनल की, फरुखाबाद की रोड इतनी त्रस्त है, आदमी लोगों की गाड़ियां इतनी टूट चुकी है, सबसे पहले फरुखाबाद में सड़कों का काम किया जाएगा अगर समाजवादी सरकार बनती है। ठीक है, दूसरी चीज सरकारी मेडिकल कॉलेज जो बताया गया है, सरकारी मेडिकल कॉलेज फरुखाबाद में ही कराया जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज और आलू किसान के लिए हम लोग जो भी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी उसके लिए एक कमेटी गठित करेंगे आलू किसानों के लिए, उसकी सब व्यवस्थाएं बेहतरीन बनाई जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो राजन यादव के साथ राजन यादव के पास तो बहुत सारे वादे हैं शिवांग जी। वो कह रहे हैं कि सड़कों को बनवाएंगे, सड़कों को दुरुस्त करेंगे, उनकी तबीयत खराब है उनको ठीक करवाएंगे, फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज देंगे, फिर कह रहे हैं कि वो आलू उत्पादन वाले जो किसान हैं, आलू उत्पादक, उनके लिए भी काम करेंगे। आप बताइए, आप तो कौन सा अधूरा काम है जो आप पूरा करेंगे? समाजवादी पार्टी को कोई मौका नहीं मिलने वाला।
फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता पर काबिज होगी, यहाँ से चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के जाएंगे। नहीं, अगर वो जो बातें कर रहे हैं, अगर जनता उनके वादों में आ गई, अगर जनता भी तो चाहती है कि सड़क का चौड़ीकरण हो, सड़क दुरुस्त हो, सड़क की तबीयत सही हो। उनका समाजवाद उत्तर प्रदेश में लूट हत्या और बलात्कार का था। जिस समाजवाद को वो लेकर चल रहे हैं वो समाजवाद केवल एक ढकोसला है। उस समाजवाद के पीछे पूरा खेल उत्तर प्रदेश में लूट, फिरौती, हत्या, बलात्कार, डकैती, इस तरीके का समाजवाद है। चलिए ठीक है, ठीक है। तो राजन जी वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी वाला ही उन्होंने ग्राफ दिखा दिया। मैं प्रवक्ता जी से पूछता हूँ, जो फतेहगढ़ इंस्पेक्टर की धक्का मुक्की का जो हुआ था उसे क्या कहेंगे? गुंडागर्दी कहेंगे या फिर भाजपा बात कहेंगे उसे, आप क्या कहेंगे? चले ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कॉलर से धक्का मुक्की की थी 19 में, जिसमें बात अभी जो है अपनी लाइन तो उन्हीं से बात हो रही है। ठीक है, शिवांग जी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है राजन जी, सवाल दोहराइएगा जरा। मेरा सवाल ये है, अभी जो फतेहगढ़ इंस्पेक्टर पाल साहब से जो धक्का मुक्की हुई है, इसे आप गुंडागर्दी कहेंगे या फिर भाजपा बात कहेंगे, क्या कहेंगे? चलिए शिवांग जी कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए उनको लेंगे जरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए ठीक है, क्या बात कह रहे थे आप, जल्दी बताइएगा, नाम बताइएगा, फिर क्या कहना है आपका। हेलो, आप मुझसे पूछना? हाँ जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप क्या कह रहे हैं, नाम बताइएगा फिर। मैं अनुराग मिश्रा बोल रहा हूँ। ठीक, अनुराग मिश्रा जी। जी मिश्रा जी बताइए। तो मैं सवाल किससे पूछना है अभी? नहीं, आप जिससे आपको सवाल करना हो, आप किससे सवाल करना चाहेंगे? मेरा अपना यही है, सदर विधायक मतलब विधानसभा में विधायकों से यह है कि पूरे यूपी में हर जगह विकास हो रहा है, फरुखाबाद में विकास कब होगा? नहीं, नेताजी तो कह रहे हैं, बीजेपी के नेताजी बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि स्वर्णिम विकास हुआ है। नहीं नहीं, फरुखाबाद में विकास कहाँ कहाँ, किस तरीके का विकास उनकी नजर में हो गया है? क्या आपने यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उनके सामने ही रोड ठीक हो गई है? चलिए ठीक है, फरखाबाद में विकास आपको नजर आएगा जब आप बीजेपी का चश्मा लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन यादव जी आपका भी शुक्रिया, शिवांग रस्तोगी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फरखाबाद के विषय पर बातचीत करने के लिए। तो फरखाबाद सदर सीट पर क्या हाल है, इसको जानने की समझने की आज कोशिश की है। साथ ही साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे हम और ज्यादा विधानसभाओं में जाएंगे। अभी जरा ठहरिएगा, बिल्कुल भी पैनिक होने की स्थिति नहीं है क्योंकि चुनाव तो अभी चढ़ रहा है। फिलहाल के लिए शुक्रिया। We'll be right back.